मैं दिलीप कुमार कौशल, एलर्ट इंडिया न्यूज के साथ। मैं आज बाराबंकी जिले के एक ऐसे गांव में पहुंचा हूं कि जहां की यहां एक अद्भुत दृश्य मुझे देखने को मिला। और यहां आज हमने एक नई चीज देखी है कि यहां एक कुआं टाइप का बना हुआ है, जैसे कि हमारे नैमिसराय में बना हुआ है। और नैमिसराय का शेष दूसरा मॉडल हमारे बाराबंकी जिले में देखा जा सकता है। और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका पानी जो है ये अपने धरातल से स्वयं निकलता है और बाहर निकल के गोमती की तरफ जाता है, गोमती नदी में जाता है। और जहां तक मेरा मानना है कि ये ऐसा दृश्य बाराबंकी जिले में पहली बार देखने को मिला है और ये हमारे लिए एक अद्भुत चीज है। और जहां तक मेरे संज्ञान में है कि ये इसका पानी जो है हमेशा जमीन से लगातार निकलता रहता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा आगे आए और यहाँ इसे कुएं में देखे कि इतनी बढ़िया खूबसूरत ब्लैक व्हाइट और येलो कलर की मछलियां पड़ी हुई हैं जो लगातार आपको यहाँ दिखाई, मैं अपडेट दिखा रहा हूँ आपको। और आज नवरात्रि का पांचवा दिन है, मैं यहाँ दर्शन के लिए आया था तो यहाँ मुझे अद्भुत चीज मिली और ऐसा चीज हमें पहली बार कभी देखने को नहीं मिली थी। यहाँ पर जो भी अभी तक चल रहा है कि यहाँ का पानी बिल्कुल साफ स्वच्छ शीशे की तरह साफ है और यहाँ मछलियां अपने अपने लय में यहाँ घूमती नजर आ रही हैं। और मैं आपको आगे ले चलता हूँ, यहाँ ये स्थान को सैलानी देवी माता मंदिर कहा जाता है। जहां तक मेरा मानना है कि यहाँ सैलानी देवी माता का एक भव्य मंदिर बना हुआ है और लोग यहाँ आते हैं, पहले स्नान करते हैं फिर यहाँ से माता जी के यहाँ जाके दर्शन करते हैं। आइए मैं आपको माता जी की मंदिर की तरफ ले चलता हूँ। मैं अब यहां से इस कुंड की तरफ से ले जाकर आपको मैं आपको माता जी के मंदिर की तरफ ले चलता हूं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पे यहां के बाद लोग सीधा अब मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। और यहां सबसे पहले आपको यहां एक भोलेनाथ जी का मंदिर देखने को मिलता है। यह मंदिर बहुत पुराना है और यहां कहते हैं कि जो ये कुंड बना हुआ है यह बहुत महाभारत काल से बना हुआ है। यहाँ अगल बगल दुकानें लगी हुई हैं जो यहाँ प्रसाद या और अन्य तरह की चीजें मिलती हैं। मैं आपको यहाँ से सीधे मार्ग से मंदिर की तरफ आपको ले चलता हूँ। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले एक छोटी सी मंदिर मुख्य द्वार पर मिल जाएगी और यहाँ पर लोग बाबा जी टीका लगा रहे हैं। ये सैलानी देवी माता मंदिर है जो कि महाभारत काल से ही मानी जाती है। और यहाँ से ढालू आते हैं, यही वो अद्भुत कुआं है जहाँ की जमीन से क्या एक स्रोत से पानी निकलता है और वो गोमती नदी को जाता है। मैं आपको मंदिर की तरफ ले चलता हूँ। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, इससे पहले यहाँ सैलानी देवी माता मंदिर भी है और यहाँ पर हर तरह के सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, वो जगह जगह हमको मिलते रहेंगे। यहाँ महिला पुलिस कांस्टेबल भी उपलब्ध है और किसी तरह की अनहोनी ना होने पाए इसके लिए सरकार ने यहाँ मुस्तैद सुरक्षा प्रदान की है। और अब मैं आपको मंदिर के मुख्य द्वार से होते हुए माता जी का दर्शन कराता हूँ। जय माता की। ये कुछ चंद सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम यहाँ माता जी के मंदिर के पास पहुंचे हैं। ये सैलानी देवी माता मंदिर, अभी मंदिर के तक पहुंचने में हमें थोड़ा टाइम लगा क्योंकि यहाँ भक्त का भी प्रसाद चढ़ा रहे हैं और वितरण कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा के माता जी का दर्शन कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ी चंद ही मिनटों में माता जी का दर्शन कराता हूँ। अब मैं यहाँ के माता जी के मुख्य द्वार पर पहुंच गया हूँ और मैं आपको माता जी के दर्शन कराता हूँ। ये सैलानी माता मंदिर है और ये सैलानी माता जी की फोटो है। यहाँ पर मुख्य रूप से पुजारी जी हैं और यहाँ दो पुजारी जी और महंत जी भी हैं। पुजारी जी, आपका नाम क्या है? महाराज जी, क्या आप माता जी के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? जी, दे सकता हूँ। ये बताइए, लोग यहाँ कहते हैं कि मंदिर बहुत पुराना है और यहाँ एक अद्भुत हमने कुआं देखा है। कुआं है, काफी पुराना है और बताते हैं कि लोग ये महाभारत कालीन से है, क्या ये सच है? जी, सच है। तो इस कुएं के बारे में हमको क्या आप जानकारी दे सकते हैं? कुएं के बारे में हम क्या, गुरु जी हमारे, उनसे जानकारी दीजिए। मैं तो भी बच्चा हूँ थोड़ा, लेकिन गुरु जी हमारे बड़े हैं, उनसे आप ये बात दीजिए। मैं आपके गुरु से जानना चाहूंगा। जी, महंत जी प्रणाम। सीताराम महाराज जी,
आज नवरात्रि का पांचवा दिन है और मंदिर पे बहुत ज्यादा भीड़ है और हमने यहाँ एक अद्भुत चीज देखी है जो कि यहाँ एक कुआं बना हुआ है। लोग कहते हैं कि महाभारत कालीन का है, क्या आप इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे? ये जब माता जी आई हो कोई जुगमा तब से जल बह रहा यहाँ, जब से माता जी आई हो चाहे द्वापर मई हो चाहे कलयुग मई हो, जब माता जी आई तभी से जल बह रहा। अब ये तो हमको आगे नहीं मालूम महाराज जी, जो जो जल निकलता है ये कहाँ से निकलता है? ये धरती से निकलता है, दंडल है। और महाराज जी जो ये जल निकलता है वो जाता कहाँ है? गोमती नदी, गोमती नदी में जाता है। महाराज जी कितना पुराना मंदिर है लगभग? अब 100 साल के तो बुजुर्ग नहीं बता पाते हैं, आगे तो कोई बता नहीं पाता। 100 साल के बुजुर्ग नहीं बताते, बहुत पुराना मंदिर, यहाँ रास्ता भी नहीं रहा है, भयंकर जंगल था, गोमती किनारा था। अब मैं मंदिर से निकल के यहाँ एक छोटी सी मंदिर पे आता हूँ जहाँ की माता जी की मूर्तियों यहाँ पुजारी जी सिर्फ कलावा बांधते हैं। महाराज जी को प्रणाम। और अब मैं आपको इसी दिशा में आगे ले चलता हूँ जहाँ से लोग मंदिर के दर्शन करने के बाद परिक्रमा लगाते हैं और परिक्रमा पूरी करने के बाद यहाँ ये अगरबत्ती स्टैंड है, यहाँ पर लोग धूप दीप करते हैं। और ये बहुत ही पुराना पेड़ है, कहते हैं कि जब से ये मंदिर बना है तब से पेड़ है। और ये नीम का पेड़ काफ़ी मोटा है, इतना मोटा है कि हम 2-3 लोग मिलके इसको पकड़ नहीं सकते, इसकी गोलाई को छू नहीं सकते। यहाँ पर घंटियाँ और घंटे टांगे जाते हैं